दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपए के प्राइस बजट रेंज में मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपकी काम की है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ 10,000 रुपए के अंदर मिलने वाले चार स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme Narzo 30A, दूसरा स्मार्टफोन Micromax N1, तीसरा स्मार्टफोन Lava Z6 और चौथा स्मार्टफोन Oppo A15। सभी स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबी के साथ आते हैं, जो कि हम आपको वीडियो में एक एक करके सभी स्मार्टफोन के बारे में आपको आते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी करते हैं सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। शुरुआत करते हैं Realme Narzo 30A से। तो ब्लू कलर का ये बॉक्स है, जिस पर सबसे ऊपर नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है। Narzo की ब्रांडिंग काफी बड़े फॉन्ट में मिलती है और बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो स्मार्टफोन आता है कुछ ऐसा, जिसमें आपको मिलती है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिलता है, पावर हमने इसकी ऑन की हुई है और ब्राइटनेस भी फुल की हुई है। तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखाएं तो काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी आपको इसकी मिल जाती है। जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो भी आपको काफी ज्यादा मिलती है। आइकन कुछ इस टाइप के हैं और यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर आपको यहां सारी की सारी ऐप देखने को मिल जाती है। बैक साइड में आपको डबल टोन डिजाइन दिया गया है, ऊपर मैट फिनिश और नीचे रफ फिनिश मिलती है, जिस पर लाइनिंग है और यहाँ पर आपको हल्के हल्के रिजिस मिलते हैं, जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिल जाता है। साथ में यहाँ पर कैमरा देखें तो इसमें आपको मिलते हैं डुअल कैमरा। ऐसा लग रहा होगा कि तीन कैमरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक शोपीस के लिए गोला बनाया गया है। बाकी इसमें आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल की सेटिंग को ऑन करके देखें तो यहाँ का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको अबाउट फोन सेक्शन मिलेगा। यहाँ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट MediaTek Helio G85 का आपको इसमें मिलता है, यानी कि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है। Realme UI वर्जन 1.0, Android वर्जन 10Q, 4GB की रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से लगभग 50GB अवेलेबल है यूज करने के लिए। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 pixel का और पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की आपको इसमें मिलती है। 164.5 mm की हाइट, 9.8 mm की थिकनेस, 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है और ये दो कलर वेरिएंट में आपको मिलेगा, लेजर ब्लैक और लेजर ब्लू। मोबाइल का रियर कैमरा आपको काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम जूम करके देखें तो पूरा आप इससे कर सकते हैं 4x तक जूम, ये हमने 4x जूम कर दिया है। बाकी इसमें आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। मोर सेटिंग में देखें तो यहाँ पर आपको टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है और ये है इसका 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा भी आपको काफी कलरफुल और ब्राइट मिल जाता है और साथ में इसमें आपको 6000 mAh की मेगा बैटरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये फोन आपको 10,000 रुपए की कीमत में मिलता है। बॉक्स कंटेंट में आपको एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल दी गई है। मोबाइल कवर आपको इसमें नहीं मिलता है। चार्जर काफी हैवी है, क्योंकि इसमें आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है 5V 2A 9V 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ, और साथ ही आपको इसमें Type-C USB केबल मिलती है। और अब है बारी हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड Micromax की ओर से आने वाला Micromax N1, जिस पर इनकी काफी बड़े फॉन्ट में ब्रांडिंग की गई है। 64GB के स्टोरेज को स्पेशली मेंशन किया गया है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं। तो ये है हमारा Micromax N1 स्मार्टफोन, जिसकी पावर को हमने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, ब्राइटनेस भी फुल है। तो यहाँ पर हमको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी लग रही है। डिस्प्ले क्लैरिटी के मामले में आपको काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी इसकी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। आइकन कुछ इस टाइप के हैं और यूजर इंटरफेस देखे तो स्क्रॉल अप करने पर यहाँ आपको सारी की सारी ऐप देखने को मिल जाती है। इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि फालतू के ब्लोटवेयर ऐप, एड्स, कुछ
भी आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। सारे के सारे यूजफुल ऐप आपको यहाँ पर इंस्टॉल दिए गए हैं। इसकी सेटिंग को भी ओपन करके देख लेते हैं तो यहाँ का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। यहाँ ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 10Q मिल जाता है, 4GB की रैम मिलती है, 64GB का स्टोरेज जिसमें से 55GB अवेलेबल है यूज करने के लिए। इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। बाकी प्रोसेसर आपको इसमें भी 2GHz का ऑक्टा कोर मिलता है और चिपसेट MediaTek Helio G80 का आपको इसमें दिया गया है। नार्जो में G85 था और इसमें G80, यानी कि ये भी एक गेमिंग स्मार्ट फोन है। मोबाइल का जो बैक पैनल है वो आपको काफी कमाल का देखने को मिलता है, जिस पर आपको काफी अच्छी डिजाइनिंग देखने को मिलती है। लाइट के सामने आप देख सकते हैं काफी अच्छे डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और इन पर हल्के हल्के रिजेस हैं जिन पर स्क्रेचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ भी आपको मिल जाता है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, फिर उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और साथ में एक एक्स्ट्रा गूगल असिस्टेंट की भी यहां पर दी गई है। मोबाइल के बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD, एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल का, पिक्सल डेंसिटी 395 PPI की मिलती है। मोबाइल की हाइट 165.4 mm, थिकनेस 8.9mm की और ये दो कलर वेरिएंट में मिलता है, ब्लू और पर्पल। अभी हमारे पास पर्पल कलर है। बॉक्स कंटेंट में आपको एक स्क्रैच गार्ड अलग से दिया गया है, पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। इसके बाद एक कवर मिलता है फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का, काफी अच्छी क्वालिटी का आपको इसमें कवर दिया गया है। अंदर आपको मिलता है चार्जर अडेप्टर और USB केबल। इसमें भी आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है, जिसकी आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट, 3 एम्पियर, 9 वोल्ट, 2 एम्पियर, 12 वोल्ट, 1.5 एम्पियर की मिलती है और USB केबल आपको इसमें भी टाइप सी दी गई है। और तीसरा स्मार्टफोन हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा की ओर से आने वाला लावा Z6। बॉक्स में देखें तो 6GB रैम, 64GB के स्टोरेज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। राइट साइड में हैशटैग प्राउडली इंडियन लिखा है और बैक साइड में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको एयरलाइन फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, साथ में ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है, यानी कि तोड़फोड़ टेस्ट इसके हो रखे हैं। 5000mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, जो कि आपको माइक्रोमैक्स इन वन में भी 5000mAh की बैटरी ही दी गई है। तो ये है हमारा लावा Z6 स्मार्टफोन। स्क्रैच गार्ड इस पे भी पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन आता है। डिस्प्ले क्लैरिटी देखें तो इसमें आपको उतनी खास तो नहीं मिलती है, लेकिन एवरेज डिस्प्ले क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। आइकन इसमें कुछ इस टाइप के दिए गए हैं। यूजर इंटरफेस देखें तो इसमें भी आपको ना ही ब्लोटवेयर ऐप मिलती है, ना ही फालतू की एड्स दिए गए हैं। यहां पर आपको सारी की सारी यूजफुल ऐप ही पहले से इंस्टॉल मिलती है। इसमें आपको मिलती है 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें 270 PPI की दी गई है। मोबाइल की हाइट 164.5 mm, 9mm की थिकनेस है। मोबाइल का बैक पैनल देखें तो यहां पर आपको काफी कमाल की फिनिशिंग देखने को मिलती है। ये मैट फिनिश के साथ लाइनिंग जिस पर लावा की ब्रांडिंग की गई है और ये रफ फिनिश जिस पर हल्के हल्के रेजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं। ये आप साउंड सुन सकते हैं, ये देखिए। और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें भी मिल जाता है। रियर में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर इसमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल बैक साइड में दिया गया है। चलिए अब इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ भी आपको एंड्रॉइड वर्जन 10Q मिल जाता है और इसमें आपको 6GB रैम मिलती है, 64GB का स्टोरेज, जिसमें से 14% स्टोरेज यूज हो चुका है, बाकी का आपको फ्री मिलता है यूज के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें 512GB तक बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर आपको इसमें 2.3GHz का ऑक्टा कोर मिलता है और चिपसेट MediaTek Helio G35 का
किया गया है, यानी कि प्रोसेसर के मामले में ये पहले के दोनों स्मार्टफोन से काफी पीछे हो जाता है। बॉक्स कंटेंट में आपको मिलता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर फोन की सेफ्टी के लिए, अंदर चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल दी गई है, और इसमें आपको डबल यूएसबी पोर्ट वाला चार्जर दिया गया है जो कि 12.5 वोल्ट का चार्जर है। फास्ट चार्जर आपको इसमें नहीं मिलता है। आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर की मैक्सिमम इसमें दी गई है। यूएसबी केबल ब्लैक कलर की मिलती है जो कि टाइप सी मिलती है। और अब है हमारा लास्ट स्मार्टफोन ओप्पो की ओर से, ओप्पो A15। मोबाइल का डिजाइन आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है और ऊपर 3GB रैम और 32GB के स्टोरेज को स्पेशली मेंशन किया गया है। मोबाइल के बैक साइड में यहाँ भी आपको हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं। 4230mAh की आपको इसमें लार्ज बैटरी मिलती है। यहाँ पर 6000mAh का बैटरी के साथ हमारा नार्जो चला गया और ये 4030mAh की लार्ज बैटरी हमें बता रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको स्लिम स्मार्टफोन पसंद है तो ही ये स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन है। 7.9mm की इसकी थिकनेस है। बाकी इसमें स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिलता है, ये भी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। मोबाइल की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है और ब्राइटनेस भी फुल है, तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है ओप्पो A15 की, और नीचे जो बेजल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइकन कुछ इस टाइप के हैं। यूजर इंटरफेस देखें तो यहाँ पर स्क्रॉल अप करने पर आपको सारी की सारी ऐप देखने को मिल जाती हैं। कुछ ऐप प्री इंस्टॉल भी दिए गए हैं। मोबाइल के बैक साइड में आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिलती है। प्लास्टिक बॉडी है, कर्वी बैक पैनल दिया गया है। ओप्पो की ब्रांडिंग यहाँ पर काफी अच्छी लग रही है। इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। चलिए सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस आपको बिल्कुल रियलमी नार्जो जैसा ही देखने को मिलता है, जिसमें अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे हम ओपन करें तो कलर ओएस वर्जन आपको इसमें 7.2 का मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है। रैम 3GB है, 32GB का स्टोरेज जिसमें से 18.9GB अवेलेबल है यूज करने के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर आपको इसमें 2.3GHz का ऑक्टा कोर मिलता है और चिपसेट MediaTek Helio P35 का। प्रोसेसर के मामले में ये स्मार्टफोन काफी पीछे हो जाता है और रैम और रोम भी आपको इसमें बहुत ही कम दी गई है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और मीडिया स्पीकर सब कुछ एक साथ मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट में आपको इसमें भी एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर दिया गया है फोन की सेफ्टी के लिए। चार्जर आपको इसमें नॉर्मल सा दिया गया है 10 वॉट का, जिसकी आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आपको मिलती है। और यूएसबी केबल भी देख लेते हैं, तो इसमें आपको माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। चलिए एक बार सभी स्मार्टफोन पर एक साथ नजर डालते हैं। सभी स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपए के अंदर मिलते हैं। अरे मैं तो यहाँ पर ओप्पो A15 का डिस्प्ले साइज बताना भूल ही गया। ओप्पो A15 में आपको मिलती है 6.52 इंच की HD+ IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का, पिक्सल डेंसिटी 269 PPI की आपको इसमें मिलती है। मोबाइल की हाइट है 164mm, थिकनेस 7.9mm की। रियलमी नार्जो 30M आपको 6000mAh की बैटरी, लावा और माइक्रोमैक्स में 5000mAh की बैटरी और ओप्पो A15 में आपको 4230mAh की बैटरी दी गई है। फुल HD+ डिस्प्ले आपको मिलती है माइक्रोमैक्स N1 में। इन दोनों स्मार्टफोन में आपको एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो ये स्मार्टफोन आपके काफी काम के हैं, क्योंकि MediaTek Helio G80 आपको इसमें मिल रहा है और G85 आपको मिल रहा है नार्जो 30A में। वहीं अगर आपको नॉर्मल यूज के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G35 और P35 का प्रोसेसर दिया गया है। ओप्पो A15 10,000 रुपए में लेना घाटे का सौदा हो सकता है। मात्र 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 4230mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी थका हुआ इसमें दिया गया है। तो अगर आपको ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन पसंद है तो ही आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्मार्टफोन 10,000 रुपए के बजट में सही नहीं बैठता। बाकी लावा Z6 6GB आपको इसमें रैम दे रहा है, यही इसकी खास बात है। बाकी 5000mAh की नॉर्मल बैटरी है। प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं और बॉक्स के अंदर एक फास्ट चार्जर दे देते हैं 18 वॉट का, तो ये भी सही रहता।